بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum students, I hope all of you will be fine. Students, today we are going to start our 14th lecture. Open your English Oxford book, page number 7. Unit number 1, lesson number 5, writing. Part A, follow the lines to find out who wears the clothes. हमने करना क्या है इसमें, हमने इन lines को follow करना है और हमने देखना है किसने कौन से कपड़े पहने हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने हमें example दिया Ali's shorts. यहाँ पे हम Ali को देखेंगे, Ali की हम line देखेंगे कहाँ आ रही है, shorts पे, Ali's shorts. Number 2 पे है trousers. अब हम trouser को देखेंगे, Daddy's trousers. इसी तरह से हमने बाकी remaining भी हमने ऐसे ही करना है. ये आपने जो part है अपनी notebook पे write करना है. अपनी notebooks open करें, ऐसे आपने फोल्डर बनाना है और आपने इंडेक्स बनाना है. यूनिट नंबर 1, फिजाज फैमिली का, लेसन नंबर 5. नेक्स्ट पेज करेंगे, ये पेज ब्लैंक छोड़ना और आपने यहाँ पे ऐसे अपना पेज रेडी करना है. यूनिट नंबर 1, लेसन नंबर 5, राइटिंग, पार्ट ए, पेज नंबर 7. अब हम बुक पे देखेंगे. नंबर 1 पे था अलीज शॉर्ट्स. नंबर 2 पे क्या था, ट्राउज़र. किसका था, डैडीज ट्राउज़र्स. नंबर 2, डैडीज ट्राउज़र्स. नंबर 3 है ड्रेस. ड्रेस की लाइन देखेंगे, सारास ड्रेस, सूट, मम्मीज सूट, शर्ट, बीफ्स शर्ट, फिजास सॉक्स. ये आपने 6 जो हैं आपने अपनी नोटबुक पे राइट करनी है, ठीक है स्टूडेंट्स, और आपने ये स्पेलिंग भी याद करने हैं. अब पार्ट बी देखेंगे, पार्ट बी आपने अपनी बुक पे ही करना है. पार्ट बी, यूज़ द वर्ड्स इन द बॉक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. हमने क्या करना है, हमने इन वर्ड्स ने ये वाले वर्ड्स को इन सेंटेंस में यूज़ करना है और इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. एग्जाम्पल, अलीज शॉर्ट्स आर ब्राउन. यहाँ पे देखें अली की जो शॉर्ट्स थी वो किस कलर की थी, ब्राउन. डैडीज ट्राउजर्स आर ब्लैक. सारास ड्रेस इज रेड. मम्मीज सूट इज ग्रीन. बिफ्स शर्ट इज येलो. फीजा सॉक्स आर वाइट. आपने ये स्पेलिंग भी याद करने हैं, कलर्स नेम भी याद करने हैं, और पार्ट ए को अपनी नोटबुक पे लिखना है, पार्ट बी को अपनी बुक पे लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स.